हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक्नोलॉजी फॉर वर्ल्ड में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं तीन जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। नंबर वन, जो क्वेस्ट ग्लोबल की तरफ से आ रही है, डिजाइन इंजीनियर स्टीम टर्बाइन पोजीशन में आपको काम करने का मौका मिलेगा, जिसका जॉब लोकेशन बैंगलोर है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर बताया गया कि आपको टू सपोर्ट एज ए टेक्निकल कंसल्टेंट आफ्टर मार्केट सेल्स डिपार्टमेंट फॉर द स्टीम टर्बाइन। स्पेयर पार्ट्स आपको बेचना है, इसी तरह मार्केटिंग करना है। ठीक है, उसके बाद क्रिएटिंग मास्टर स्पेयर पार्ट्स लिस्ट विद द डिटेल डिस्क्रिप्शन कैटेगराइजेशन एंड रिकमेंडेशन स्पेयर पार्ट। तो सारा चीज यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स मेंशन किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन किया गया कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, बी या फिर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, यह मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब है। साथ ही साथ आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, जैसे स्टीम टर्बाइन के बारे में वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम किया जाता है, उसका ड्रॉइंग कैसे होगा, उसका नॉलेज होना चाहिए साफ पीएलएम 2020 एमएस ऑफिस, इस सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पार्ट टाइम और रेगुलर दोनों जॉब है। 0 to 21 years एक्सपीरियंस है, एंट्री लेवल आपका है, यहाँ पर एक्सपीरियंस लेवल है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, मे बी आपका इसमें हो जाए। अब बात करते हैं सेकंड जॉब की, वो है विप्रो की तरफ से विलअप प्रोग्राम आ रहा है 2023, जो कि पैन इंडिया लोकेशन दिया गया है। एप्लीकेशन डेडलाइन 15 अप्रैल तक दिया गया है, तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर बताया गया है कि जॉब फंक्शन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। CTC यहाँ पर बताया जा रहा है कि 15,488 रुपया जो है पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद सैलरी जो है ब्रेकआउट यहाँ पर बताया गया कि फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिलेगा, सेकंड ईयर में कितना मिलेगा और थर्ड ईयर में आपको कितना मिलेगा, फोर्थ ईयर में जाते जाते 23,000 आपका टोटल हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बोनस भी मिलेगा 75,000 रुपीज का। तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, मे बी आपका इसमें भी हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा ईयर के पास स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 2021, 2022 और 2023 के स्टूडेंट इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आप देख सकते हैं BCA बैचलर ऑफ साइंस विथ कंप्यूटर साइंस के साथ होना चाहिए आपका। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो उसने मैथमेटिक्स स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, वो भी इसमें आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मेंशन किया है, तो चेकआउट जरूर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड जॉब की, वो है आ रहा है यूनिसिस की तरफ से आ रही है एसोसिएट इंजीनियर। उसके बाद यहाँ पर पोजीशन बताया गया, जो कि जॉब एप्लीकेशन दो कैटेगरीज में अर्ली स्टूडेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्शन डेवलपमेंट फुल टाइम आपको मिलेगा। बैंगलोर जॉब लोकेशन दिया गया है और यहाँ पर पूरा तरह से इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रखना है, जैसे कि टीम मेंबर के साथ काम करने का मौका मिलेगा, उसका लर्निंग प्रोसेस टूल को आपको सीखना है। ठीक है, अवेयर होना चाहिए आपका, जैसे कि अगर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कैसे बग किया जाता है, फिक्स किया जाता है, कोड को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ आना चाहिए आपको। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस से या फिर ई अंडर ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए रिक्वायरमेंट होती है। नो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट इंटर्नशिप एंड, तो एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर फ्रेशर भी आप जा सकते हैं आसानी से। तो अप्लाई कीजिए, मे बी आपका इसमें हो जाए। उसके बाद मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।